गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की 2018 की। जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को आज देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास का है, सीबीएसई आरबीएससी दोनों के लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि वीडियो ऑन रिकॉर्डेड है, इसलिए हम और अदर एक्टिविटीज की बातें नहीं कर सकते है ना नॉलेज की। तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बस ये वीडियो हमारी पहली है, ऐसी और वीडियो आपको तब मिलेगी जब उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और कमेंट भी लिख के दें, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सबसे पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड समझना जरूरी है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। कई बच्चे इसके मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं ना, तो उसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, मीनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले मीनिंग पढ़ते हैं। देखिए, मैंने लिखा है कि इनकम्प्लीट को हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहेंगे बच्चों। अब सिंगल एंट्री क्यों कहेंगे? देखिए, जिन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट वन साइड पड़े, वन साइड मतलब समझ रहे हैं बेटा, यानी कि जिनका इफेक्ट बैलेंस शीट में अगर आप लिख रहे हैं, फिर आप उन्हें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मैं कोई एडजस्टमेंट, जैसे मान लीजिए मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं लायबिलिटी में ले रहा हूँ, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले लूंगा, और अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले रहा हूँ तो मैं बैलेंस शीट में ले लूंगा। यानी कि मैं एक ही एडजस्टमेंट्स को या तो मैं यहाँ ले रहा हूँ या मैं यहाँ, दोनों में से एक जगह लूंगा, वन साइड। इसलिए बना सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग सिर्फ वन साइड ही लेंगे। तो हम फटाफट मीनिंग की ओर चलते हैं, ठीक है। मीनिंग में सबसे पहले आपका जरूरी है डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट आर नॉट मेंटेन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, बोथ ऑफ एस्पेक्ट सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कि जो रिकॉर्ड डबल साइड नहीं जाए, जैसे मैंने बनाया डबल साइड नहीं जा रहे हैं, वन साइड, कौन कौन से, कैश और पर्सनल, बोथ ये डबल साइड जा सकते हैं, लेकिन जो रियल एक पर्सन है वो वन साइड ही इफेक्ट करेंगे। रियल में भी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स लेंगे, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इनकम्प्लीट के अंदर इनकम्प्लीट क्यों बोला गया, क्योंकि ये वन साइड इफेक्ट करते हैं, डबल साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस आएगा वो नेट नहीं होगा, वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं होगा बेटा ना, क्योंकि वो इंटीग्रिट मेथड को फॉलो कर रहा है, इंटीग्रिट को, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग कैसे कैपिटल को फाइंड आउट करें। देखिए, आप ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर समझ लें कि इस मेथड में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, आपको एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सीखना होगा जो हम आगे की क्लास में सीखेंगे, और एक है स्टेटमेंट ऑफ पीनल, ये भी हम आगे की क्लास में आपको समझाएंगे। कई लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस शीट भी कहते हैं, बिल्कुल बैलेंस शीट ही कहेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट भी दो होंगी, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट और एक बचा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट कितनी हो गई, दो, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल रहे हैं। और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसका फॉर्मेट मैं बाद में सिखाऊंगा। सबसे मैं सिखाता हूँ आपको कि कैसे कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए मुझे कैपिटल निकालनी है, तो मेरे पास टोटल एसेट्स का होना जरूरी है, और इसमें से मैं अपनी लायबिलिटीज जो पे कर दी है मैंने, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो बेटा ये जो बचा ना आपका, ये रिमेनिंग, ये आपकी कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। अब टोटल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं, पहले फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं आप, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, इनको जोड़ दीजिए तो टोटल एसेट्स आ जाएगी। तो देखिए आपने कितना सरल रूप में समझा कि टोटल एसेट में से लायबिलिटी घटाओ, कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको एक सिंपल फॉर्मूले से भी सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो आप एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, उसके द्वारा भी आप सीख सकते हो। जैसे एडजस्टेड कैपिटल आपको फाइंड आउट करना होगा। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए कुछ आप एडजस्टमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल अगर है तो दे दीजिए, प्लस ड्रॉइंग, आप ड्रॉइंग को प्लस कर दीजिए, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल आप माइनस कर दीजिए इसमें से। तो जो ये बचेगा ना बेटा, ये जो अमाउंट बचा आपका, ये कहलाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से ये जो आ गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है ना, इसमें से आपको थोड़ा सा एक काम करना है कि आपको इस एडजस्टेड कैपिटल में से माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल। मैं एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझाता हूँ। सपोज करें 20,000 रुपये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग आपकी 10,000 रुपये, तो आप 30,000 हो गया, एडिशनल कैपिटल 10 है तो ये हो गया 20, दैट मीन्स दी ये हो गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल आपकी 15 है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 15,000 रुपीज़, 20,000 है ना। तो जो बचा
डिफरेंस जो बचा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, तो ये जो 5000 रुपए बचा ये हो जाएगा प्रॉफिट। और उल्टा कर दें, अगर यहाँ पे होता 15 और यहाँ पे होता अगर मान लीजिए 20, तो यहाँ पे जो 5000 रुपए है ये क्या हो जाता आपका लॉस। तो इट मीन्स ये प्रॉफिट है और ये क्या आपका लॉस, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये एंटीक्विटी है। मैंने कहा था ना जो भी प्रॉफिट निकलेगा, चाहे वो प्रॉफिट निकले चाहे वो लॉस निकले, वो एक्चुअल नहीं होगा, वो इंडिक्यूट होगा। तो देखिए मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपको ना तो परफॉर्मा सिखाया, ना मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पिनल बताया, मैंने सबसे पहले सर मीनिंग बताया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सिंगुलैरिटी सिस्टम। सिंगुलैरिटी सिस्टम में सबसे पहले डबल इफेक्ट नहीं पड़ता, सिंगल। ये हम आगे की क्लास में सीख जाएंगे, बिल्कुल क्लियर प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कैपिटल का फॉर्मूला सिंपल वे में बताया, थोड़ा सा बड़े रूप में बताया एडजस्टेड के नाम से। देखिए मैंने ड्राइंग प्लस किया, एक चीज और समझें कि आप ब्लैक बोर्ड पर जगह दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। छोटा सा काम करना है कि एक ये इससे समझ लें, क्लोजिंग कैपिटल आप क्लोजिंग से कहाँ जा रहे हैं, ओपनिंग की ओर। अब इसको इस डायरेक्शन को क्यों करते हैं कि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर जाना है, आप क्लोजिंग से ओपनिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे लिखो ओपनिंग, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग, ठीक है। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं तो प्लस और माइनस का आपको देखना है ना, कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स माइनस होंगे। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, नॉट दिस डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस वाले क्या कर देंगे माइनस, और माइनस वाले क्या हो जाएंगे प्लस, तो रिवर्स काम चलेगा। यानी कि जो एडजस्टमेंट्स प्लस होते हैं वे एडजस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे माइनस, और जो एडजस्टमेंट्स माइनस होते हैं वो एडजस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट इस वीडियो को आप सब्सक्राइब शेयर लाइक करेंगे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे जो मैं पढ़ाऊंगा परफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ पिनल का और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे माना जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। तो आज तक की क्लास में जो मैंने पढ़ाया उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। यदि समझो के साथ थैंक यू वेरी मच, ओके बेटा, ठीक है ना।